हेलो गाइस, वेलकम टू क्लियर यूपीएससी पीसीएस। हियर आई एम अभिषेक शुक्ला विद द इंडियन एक्सप्रेस कंप्लीट न्यूज पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 8th of November 2020। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड इट इन अ कमेंट सेक्शन। During the news analysis, I will tell you what you need to comment, and by this you will get a question from my side. Okay, so okay, let's start. अभी आपको पता होगा जो बिडन जो है वो जीत गए हैं, ठीक है। विक्ट्री नेटिव तो पेंसिल्वानिया जो है वहाँ पे रुका हुआ था, वहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्लियर नहीं हो पा रहा था। बिडन में 270, ट्रंप फर्स्ट टू लूज री इलेक्शन इन 25 ईयर। ट्रंप पहले हैं जिन्होंने री इलेक्शन लूज़ किया है 25 ईयर्स में, ठीक है। तो बिडन को 270 से ज़्यादा सीटें वहाँ पे मिल गई हैं। अब जो बिडन ने क्या कहा है, डेमोक्रेसी बीट्स डीप इन हार्ट ऑफ अमेरिका, इट्स टाइम टू कम टुगेदर एज अ नेशन, इट्स टाइम टू अमेरिका टू यूनाइट एंड अ हील। तो उन्होंने कहा है कि कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो अमेरिका के जो लोग हैं उनके दिल में रहती है, और ये समय है साथ आने का और एक यूनाइटेड नेशन बनाने का, जिससे जो भी इंजरीज हुई हैं उनको हम हील कर पाएँ, ठीक है। मोदी सेंट कॉन्ग्रेट रिलीफ इन दिल्ली एज नोन एज इंडिया लाइज बैक। तो मोदी जी ने अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर भी उनको भेजा है और ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा कि इंडिया लाइज बैक, कि इंडिया का लाइज था वो वापस आ गया है फिर से, ठीक है। और कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट जो बनेगी वहाँ पे, अभी ओथ बाकी है, बनी गई है समझ लीजिए, तो वो इंडियन ओरिजिन की हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, बिकॉज अगर कोई लेडी इंडियन ओरिजिन की है तो डेफिनेटली वो इंडिया के लिए अच्छा करें या ना करें, बट बुरा तो नहीं करेंगी। और ऐसा देखा गया है कि जब वो अदर पोस्ट पे भी थी वहाँ पे, तो वो उनका इंक्लिनेशन इंडिया के लिए अच्छा था, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, लेट्स मूव फर्दर। देखते हैं, आज संडे है तो न्यूज आइटम ठीक ठाक ही है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ठीक है। सीबीआई टू प्रूव हाउ पुअर माइनॉरिटी स्टूडेंट ड्यूप्ड ऑफ स्कॉलरशिप। तभी मैं क्वेश्चन आपको देने की बात कर रहा था, मैं आपको दे रहा हूँ सीबीआई के बारे में, आपको बताने हैं फॉर्म कब हुई थी और ये अपनी पावर कहाँ से डराइव करती है, ठीक है। सीबीआई फॉर्म कब हुई थी, अपनी पावर डराइव कहाँ से करती है और इसके फंक्शंस क्या हैं, ये आप चाहे नेट पर सर्च कर लीजिएगा, नेट पर सर्च करके आप कमेंट कर दीजिएगा। तो एक बार जब आप नेट पर सर्च करेंगे दोबारा, फिर आप कमेंट करेंगे ना, तो वो एक दो बार रिवाइज हो जाएगा, फिर वो कंफर्म हो जाएगा आपको, ओके। अभी इस न्यूज़ में इशू किया था कि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्कॉलरशिप आती है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि एक नेक्सस टाइप का बन गया है, इंटरमीडरीज जो हैं और बैंकर्स जो हैं और इंस्टीट्यूशन जो है, तीनों के बीच में नेक्सस बन गया है। तो स्कॉलरशिप किसी की आधी आ रही है, किसी को निकाल के कहते हैं कि मतलब कॉलेज उसका वो ले लेता है निकालने का राइट, और निकाल किसी को आधी दी जा रही है, किसी को कुछ हो रहा है। तो दैट इज़ द थिंग जो नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। अभी बिहार के इलेक्शन में RJD का मतलब जो महागठबंधन था RJD लेड, वो जीतता हुआ दिख रहा है। तो दैट इज़ द थिंग, लेट्स मूव फर्दर। आप भी अपने न्यूज़पेपर में मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग PDF डाउनलोड कर लिया कीजिए, अगर आपको ये हाईलाइटेड चाहिए न्यूज़पेपर तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप नीचे कमेंट करेंगे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फॉर स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हाउस होल्ड टेकिंग स्कूल एग्जाम इज अ टेस्ट इन इटसेल्फ। तो इस न्यूज़ आइटम में क्या कहा गया है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए एग्ज़ाम देना ही अपने आप में एक टेस्ट है। अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है इसमें एग्ज़ाम देना अपने आप में ही एक टेस्ट है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देना उनके लिए अपने आप में ही टेस्ट है। क्यों, वैसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक बच्चे का वो दिया गया है एग्जाम्पल, उसमें कहा जा रहा है 11 साल का बच्चा है और उसका जो एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए यूनिट टेस्ट हुआ, तो अभी उसमें क्या है कि उसके अंकल के फ़ोन पे वो उसके क्वेश्चन के आंसर टाइप करने पड़ रहे हैं,
तो पहली बात टाइपिंग का इशू आ रहा है, दूसरी बात फ़ोन पे टाइप करना, फिर उतना पढ़ना। तो उन्होंने कहा कि मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अभी अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो बच्चे पढ़ ले मान लिए ट्वेल्थ में है कोई, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितना अर्बन एरियाज़ के बच्चों में होता है उतना रूरल एरियाज़ के बच्चों में नहीं होता, बिकॉज ऑफ कि इकोनॉमिक वीक हैं, और पहली बात तो उनके पास उतने इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होते, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं होता कि ये लैपटॉप और वो यूज करें, ठीक है। तो अभी फ़ोन पे टाइप करने में इशू आ रहा था, इसीलिए कहा गया है कि टेकिंग एग्जाम स्कूल इस टेस्ट इज इंसल्ट। तो जो तो जैसे मान लो एग्ज़ाम देना है तो खुद ही अपने आप में एक टेस्ट है। नो रिकवरी टू एयर विदाउट ड्रास्टिक फॉल इन फार्म फायर्स, तो सफर ने बोला है। अभी इसमें क्या गया कि क्या कहा गया है कि एयर क्वालिटी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा जब तक फार्म फायर्स जो हैं, जो हरियाणा और पंजाब वगैरह में इन रीजन्स में होते हैं, तो तब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई वो नहीं आएगा। अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉल्यूटेंट भी आप बता सकते हैं। आज मैंने कमेंट बॉक्स में कुछ डाला नहीं है बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस, यू नो इट्स लाइक कोल्ड, सो दैट्स वाई इट्स ये ऐसा हो सकता है कि कमेंट, जैसे मैं पहले सफ़र बता देता था वो बता देता, तो आज की न्यूज पेपर आइटम में शायद आपको वो ना मिल पाए, तो दैट इज़ द थिंग। बट कोई नहीं, अगले दिन से मैं इसको भी कंटिन्यू कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू मेक अ सिग्निफिकेंट। अच्छा, एक दिन पहले न्यूज़ आई थी उसमें कहा गया था कि जो स्टबल बर्निंग है, स्टबल बर्निंग केवल 4% काउंट करता है। जिस दिन दिल्ली की एयर क्वालिटी सबसे वर्स्ट थी उस दिन काउंट किया गया था, तो जो स्टबल बर्निंग केवल 4% कर रहा था कॉन्ट्रीब्यूट, और दूसरी सारी चीज़ें थी, ठीक है। अभी ये भी कहा गया, ध्यान रखिएगा इसमें। फॉर थर्ड डे इन रॉथ द एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली एंड नियर बाई एनसीआर टाउन ऑन सैटरडे रिमेन सीवियर, तो सीवियर ही था, ठीक है। अच्छा, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कौन करता है? सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कंसल्टेशन किसका हो रहा है? PM 2.5 PM 10, ठीक है, क्योंकि विंड स्पीड लो हो रही है तो उसको डिस्पर्स नहीं कर पा रही है। ओके, सो दैट इज़ अ थिंग, ये याद रखिएगा कि जिस दिन दिल्ली का सबसे ज़्यादा था वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था, उस दिन स्टेबल बर्निंग का जो कंट्रीब्यूशन था केवल 4% ही था। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ये गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, तो इसमें तो वही बिहार के इलेक्शन के बारे में दिया गया है। यू विल गेट ईज ऑफ बिजनेस, वर्क टू गिव ईज ऑफ लिविंग, तो पीएम ने आईआईटी स्टूडेंट का एड्रेस किया है। उन्होंने कहा कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा, मतलब आपको जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस स्टार्ट करना थे, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारी चीज़ें इतनी हैं वो आसानी से मिलेंगी, लेकिन आपको ईज ऑफ लिविंग लोगों की बनानी होगी, लोगों की लाइफ जो है आसान करनी होगी, मैसेज दिया है आईआईटी के स्टूडेंट्स को, ठीक है। सीना टेक चार्ज है सीआईसी, 3 ICs टेक ओथ, तो जो यशवर्धन कुमार सिन्हा है उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग, अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर मतलब वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया हुआ एक और आदमी होता है। आईसी जो होता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकता, बट वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बन सकता है, मतलब उस पोस्ट पे दोबारा नहीं रह सकता सेकंड टर्म पे, ठीक है। सो दैट इज़ अ थिंग, नाउ लेट्स मूव फर्दर। सीआईसी के बारे में आप एक बार सर्च कर लीजिए अगर आपका मन करे तो। ए ईयर ऑन इंडिया गोज बैक टू स्पेस ऑन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो इंडिया ने एक और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दी है जिसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1, EOS 1, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इट वॉज इसरो फर्स्ट मिशन सिंस द लॉन्च ऑफ रीसेट 2BR1, अनदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिमिलर टू EOS 1। तो रीसेट 2BR1 के बाद ये पहली EOS 1 जो सैटेलाइट है ये है, और सिमिलर ही है रीसेट 2BR1 के। आफ्टर द इसरो हैड सेंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30 इन स्पेस इन जनवरी दिस ईयर, बट दिस वॉज डन यूजिंग ए अराइन रॉकेट लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गिनी, ठीक है, फ्रेंच गिएना। तो अभी GSAT-30 लॉन्च हुई थी इस साल जनवरी में, उसके बाद फिर कार्टोसैट भी लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा शायद, ठीक है, कार्टोसैट भी लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी GSAT-30 लॉन्च हुई, उसके बाद फिर EOS 1 लॉन्च हुई है।
देयरफॉर इसरो लॉन्च शेड्यूल वाज एंटायर डिटेल बाय द कोरोना वायरस एपिडेमिक। तो जो शेड्यूल था पहले ही था, लेकिन कोविड की वजह से ये डिले हो गया। इसरो का प्लान था 20 सैटेलाइट लॉन्च करने का 2021 में, इंक्लूडिंग तो कौन कौन सी सैटेलाइट मेजर थी जो लॉन्च करने की का शेड्यूल था। तो आदित्य L1 था, फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी मिशन टू सन, तो सन के एक्सप्लोर करने का पहला इंडियन मिशन जो था, जो होना था आदित्य L1 था। अनमैंड गगनयान भी था। द प्लान्ड प्रिकर्सर टू इंडिया फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट, तो पहला मैन स्पेस फ्लाइट इंडिया का वो भी था। हाफ ऑफ द प्लान्ड लॉन्च वार दो ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लाइक वन दैट वाज सेंड ऑन सैटरडे, तो आधे से ज़्यादा तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही थी, जैसे US-1 जो अभी लॉन्च की गई है, ठीक है। लेकिन अभी ये सारे जितने भी हैं जो मैंने अभी आपको बताए, ये सारे शेड्यूल थे बट कोविड की वजह से डिले हो गए। विथ US-1 इसरो इज मूविंग टू ए न्यू नेमिंग सिस्टम ऑफ इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो EOS से इसरो नई सीरीज की स्टार्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो जैसे EOS-1 आई है, F2 आएगी, 3 आएगी, तो ऐसे नई सीरीज की वो कर रहा है। पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि पहले जो नेमिंग होती थी उसके पर्पज़ के हिसाब से किए, जैसे कार्टोसैट सीरीज की सैटेलाइट लॉन्च की जाती थी, तो कार्टोसैट किस लिए था, लैंड की टोपोग्राफी मैपिंग के लिए यूज की जाती थी, ठीक है, यूज की जाती है। ओशन सैट तो वो सी के ऑब्जर्वेशन के लिए, इन सैट तो रिसोर्स वगैरह के लिए, ठीक है। जी सैट SCATA, ठीक है, स्कैट सैट एंड सम मोर ऑल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स नेम डिफरेंटली फॉर द स्पेसिफिक जॉब दे आर असाइंड टू डू, तो जो भी उनकी जॉब होती थी, जब उनका काम होता था, उसी के अकॉर्डिंग उनका नेमिंग की जाती थी। EOS-1 बिल यूज सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो EOS-1 में सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज किया जाएगा। और सिंथेटिक अपर्चर रडार में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए रात का टाइम है, क्लाउड आ गए, बादल आ गए, ठीक है, जैसे ऊपर बादल हैं, तो वो बादल उसमें रुकावट नहीं बनेगा, ठीक है। वो जैसे मान लीजिए पूरे बादल घिरे हुए हैं, उसके बाद भी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो पूरी इमेजिंग प्रोवाइड करेगी, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लीजिए कोहरा पड़ गया, फॉग हो गया, ठीक है, सनलाइट कभी भी हर्डल्स वो कर दिया, तो वो नहीं होगा। अब इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर कम है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वीक आ रही है, वीक रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब जो पेड़ वगैरह हैं ये सब है, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रही है, तो समझ लीजिए टोपोग्राफी ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग, लेट्स मूव फर्दर, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आता है हर बार, लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं इंपॉर्टेंट मैटर में। सर्वे साइट गुड साइन हाई बायोडिवर्सिटी इन 49% ऑफ गंगा में रिवर, ठीक है। द सेलिब्रेशन ऑफ गंगा उत्सव टू मार्क द 20th एनिवर्सरी ऑफ डिक्लेयरिंग द गंगा एज नेशनल रिवर हैविंग कम टू एंड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन द सेकेंड फेज ऑफ सर्वे ऑफ एंटायर मेन स्ट्रीम ऑफ द गंगा रिवर हैज़ फाउंड 49% ऑफ द रिवर हैज़ हाई बायोडाइवर्सिटी, तो अभी जो रिसर्च कंडक्ट की गई है उसमें पाया गया है जो गंगा रिवर है उसमें इसके ट्रिब्यूटरी इंक्लूडेड नहीं है। गंगा की जो मेन रिवर है उसमें जो 49% जो एरिया है वहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी पाई गई है। अब स्टडी किसने की है, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, तो इसके उसमें की गई है, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड द फर्स्ट फेज ऑफ सर्वे वाज कैरीड आउट बिटवीन 2017-19, तो 17-19 का ये सर्वे है, ठीक है। गंगा डैम इज वाई द थ्रेट टू द गंगाज बायोडाइवर्सिटी रिवल, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अकाउंट फॉर 0.01% ऑफ अर्थ सर्फेस वाटर बट 10% ऑफ स्पीसीज। अकॉर्डिंग टू यूएन एनवायरमेंट जो प्रोग्राम है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, डिक्लाइन इन डाइवर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर स्पीसीज इज द हाइएस्ट, तो फ्रेश वाटर स्पीसीज जो होती हैं, मतलब जैसे फ्रेश वाटर है तो उसमें जो स्पीसीज का डिक्लाइन है वो हाई हो रहा है, ठीक है। एंड द सरपासेस लॉस इन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज, ग्लोबल 20% ऑफ ऑल फ्रेश वाटर फिश, जो 20% सारी जो लॉस हुआ है 20% फ्रेश वाटर फिश थी। ग्लोबली 20% ऑफ ऑल नोन फ्रेश वाटर फिश, 44% वाटर बर्ड्स एंड 42% एम्फीबियन स्पीसीज आर अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। तो अभी देखो अभी इसमें क्या हो रहा है ना कि जैसे अभी मतलब 20% फ्रेश वाटर फिश है, 44% वाटर बर्ड्स हैं, 42% एम्फीबियन, तो इसमें हो क्या रहा है
कि गंगा पोल्यूटेड हो रही है, और गंगा या कोई भी, मतलब ये तो पूरा वर्ल्ड का डेटा है, ठीक है, तो कोई वाटर बॉडी अगर फ्रेश वाटर स्पेसीज हैं और वो पोल्यूटेड होगा तो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। हाँ, तो अभी क्लीन गंगा जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके थ्रू वाटर जो है क्लीन होता जा रहा है, क्लीन किया जाता है, इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ी है। बस याद रखिए इसमें ट्रिब्यूटरी इंक्लूडेड नहीं है। इंटीग्रेटेड अप्रोच अमंग द ट्राई सर्विसेज की टू डीलिंग विद थ्रेट्स, तभी तीनों सर्विसेज के लिए इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि तीनों जो सर्विसेज हैं आर्मी नेवी और एयर, तो उनको थ्रेट से बचने के लिए और उससे प्रिवेंट करने के लिए ये करना होगा कि वो तीन लोग मिलके साथ में काम करें, ठीक है। यूएई अनाउंस मेजर ओवरहॉल और इस्लामिक लॉ फॉर पर्सनल फ्रीडम, तो यूनाइटेड अरब अमीरात में क्या हुआ है कि कुछ जो इसके कन्वेंशन लॉ थे उसको ख़त्म किया गया है। अब इसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, पहली बात तो जो उन्होंने ख़त्म किया, दूसरी बात एक दो मतलब समझ लीजिए जो हमारी जो ट्रेडिशनल लॉ हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, वो हमारी इकोनॉमी को और कैसे इम्पैक्ट करते हैं, तो अभी ये जो लॉ इन्होंने हटाया है इसके थ्रू इनको क्या फ़ायदा मिलेगा, दैट इज़ अ थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। इन्होंने क्या किया है, पहले इस्लाम में जो इस्लामिक पर्सनल लॉ थे उसमें अनमैरिड जो कपल थे उनको रहना अलाउड नहीं था, ठीक है, अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन जो रहती थी उस पर टाइटनिंग थी, लूजनिंग नहीं थी, ठीक है, मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग लॉ था उसके लिए। क्रिमिनलाइजेशन सो कॉल्ड ऑनर किलिंग, तो ऑनर किलिंग जो है वो भी पहले था बट अभी हटाया गया है, ठीक है, तो इस्लाम में वो था। अभी देखो जैसे कि वहाँ फ्रांस वाला इशू हुआ था, तो एक तालिबान के कोई वो थे तो उन्होंने कहा था कि राइट टू किल होना चाहिए, मतलब हमारा जो मुस्लिम्स हैं उनका राइट है किल करना अपने ऑनर में जो उन्होंने पास्ट में किया है, ठीक है, तो दैट इज़ अ थिंग। तब यूए ने उसको हटा दिया है, अभी जो अनमैरिड कपल हैं वो साथ में रह भी सकते हैं, और जो अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन है उसको कम कर दिया गया है, और ऑनर किलिंग को क्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब कि ऑनर किलिंग अगर कोई करेगा तो उसको क्रिमिनलाइज एक्टिविटी के उसमें कंसिडर किया जाएगा। अब इकोनॉमी और सोशल स्टैंडिंग बूस्ट होगी, क्योंकि जो टूरिस्ट जाते हैं, मान लीजिए उनको अल्कोहल पीना है या बाहर कोई गया है या अनमैरिड कपल है, मान लीजिए अब तो ये तो कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, ठीक है, तो अनमैरिड कपल हैं तो वो चले गए, तो अभी वहाँ पे इशू आ रहा था टूरिज्म में, तो उनकी इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो रही थी। मेंस रिलेशन बिटवीन तो इसराइल सही, जो टूरिस्ट और टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आता था अब उसमें डिक्लाइन हो रहा था, इसकी वजह से उन्होंने भी किया, तो इकोनॉमी उनकी बूस्ट होगी कुल मिला कितना कह सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात, इससे वुमेन राइट भी प्रोटेक्ट होंगे, अब अगर कोई दो अनमैरिड लोग हैं एक साथ रहना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, तो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या न्यूज आइटम है। न्यूज आइटम आज काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे मीन्स कि जो भी हैं एकदम अच्छे खासे हैं। अभी सेप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, तो इसमें पी चिदम्बरम जी ने लिखा है, इन्होंने कुछ डेमोक्रेसी पे क्रिटिसाइज भी किया है, ठीक है, और कुछ बोला भी है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, हम इसको लास्ट में देखेंगे, पहले हम और सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कमला हैरिस जो मैं बता रहा था वाइस प्रेसिडेंट, तो पहली इंडियन ओरिजिन की जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वहाँ पे, ठीक है, सो दैट इज़ अ थिंग। ओके, लेट्स मूव फर्दर, ये तो वही उसी के लिए है। टू पेस वी सेव रिकवरी ऑन देयर इज रूम फॉर फिस्कल स्पेंडिंग, तो अभी इन्होंने कहा है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इन्होंने फिस्कल इन्होंने कहा फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ानी होगी अगर हमें रिकवरी चाहिए तो, ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो फिस्कल स्पेंडिंग होगी वो हमारी डिमांड को पुश करेगी और प्राइमरली हमें मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए। फिस्कल स्पेंडिंग इंपॉर्टेंट टू पुश डेवलपमेंट एंड टू डिमांड एंड ब्रिंग द इकोनॉमी बैक इनटू द विटालिटी, तो इन्होंने कहा है कि फिस्कल स्पेंडिंग जो मैन्युफैक्चरिंग पे करनी होगी हमें डिमांड बढ़ाने के लिए, ठीक है। कोविड 19 इन यूरोप सुब्रमण्यम जॉर्ज कॉसली ऑप्टिमिज्म ग्रोथ इंडिया टू और इन सेकंड वेव बिकॉज इवन विदाउट एनी लॉकडाउन द पेंडेमिक नंबर डू राइज ब्रिंग द अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन विद समथिंग, तो इन्होंने कहा है ये चीज़ और भी ध्यान देनी होगी कि अभी ग्रोथ का जो है ना, जैसे ग्रोथ है उसको ऑप्टिमिज्म में लेके चलना पड़ेगा, हम ये सोच के उसको नहीं कर सकते कि
अन ऑप्टिमिस्टिक होके हमें पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर फिर से वो बढ़ता है, मान लीजिए फिर से कोविड आउटब्रेक बढ़ता है, उसका सेकंड टर्म आता, मान लीजिए कोविड फिर से बढ़ गया, तो फिर से उसी पे जा सकती है, मतलब कि डिमांड ही कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगा, और जब कंजम्पशन कम हो जाएगा तो कंजम्पशन होने के बाद फिर प्रोडक्शन भी होगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो जब ग्लोबल स्लो डाउन आया था तब भी इंडिया की ग्रोथ जो थी 3.8% की रिस्पेक्टिवली थी 2001-2002 में, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने 8% इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी हमने अपनी ग्रोथ को अचीव किया है। एन इकोनॉमिक क्राइसिस ओरिजिन इन स्लैकनेस इन डिमांड, इकोनॉमिक्स पॉइंट टू बी रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन फर्दरिंग डिमांड। अभी उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा हुआ था, फिस्कल जो पॉलिसीज हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया था मनमोहन सिंह जी की, यस मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, एंड इकोनॉमी में उनका बहुत एक्सपर्ट हैं वो, तो उन्होंने उसके थ्रू उसको सही किया था, ठीक है। तो दैट इज अ थिंग जो उन्होंने कही है। लेट्स मूव फर्दर। वी हैव टू फाइंड अ सेफ्टी नेट फॉर पीपल हु विल लेफ्ट आउट। तो ये इसमें इसको मैंने पढ़ा था, बट इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इसमें वही दिया हुआ है कि देखिए मैं बता देता हूँ। ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड एंड टू स्पीड रिकवरी, तो उन्होंने कहा इम्पैक्ट ऑफ कोविड जो है वो सारी सेक्टर्स पे पड़ा है, बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे के वैसे रहे, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा अच्छे से मतलब स्टैंड ऑफ कर पा रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो स्टैंड भी नहीं कर पाए। ऑन प्रोवाइडिंग सेफ्टी नेट फॉर दोज लेफ्ट आउट, तो उन्होंने कहा ड्रामेटिक चेंज हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, बट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद उन्होंने बताया क्या हुआ कि ह्यूमैनिटी जो थी वो ख़त्म हो गई थी, और समझ लीजिए कैपिटलिज्म एक तरीके से बढ़ गया था। बट अभी हमें क्या ज़रूरत है कि सेफ्टी नेट के लिए हमें जो ट्रेनिंग वगैरह है ये सारी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ऑन स्ट्रॉन्ग कंपनीज गेनिंग मार्केट शेयर इन द पैंडमिक, स्ट्रॉन्ग जो कंपनीज थी, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है, समझ लीजिए अंबानी की कंपनी है और उस पर अगर लॉकडाउन लग जाएगा मान लीजिए 1-2 साल, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर से उठ सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग। ऑन द रिलक्टेंस ऑफ द बैंक ऑन लैंड, तो अभी ये है कि जो प्रॉब्लम है वो बोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक के लिए नहीं है, लोगों के लिए भी है, क्योंकि मान लीजिए बैंक से बोरो करेंगे तो उसको वापस करने में दिक्कत होगी, और लोग अगर ले भी लेंगे, मान लीजिए उन्होंने लोन ले भी लिया, स्पेंड कहाँ करेंगे, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे उसको, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी तो होनी चाहिए, ओके। द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मर्जर विद टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सर्विस जितनी भी हैं उनका जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी के तहत मर्ज किया जाएगा, और अभी मर्ज हो ही रहा है तभी उस पर कुछ फ़ायदा हो सकता है। ऑन द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कोविड पे, उन्होंने कहा कि क्या गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो फर्स्ट इट वाज इम्पोर्टेंट गेट पीपल अवेयर द फैक्ट एंड देयर फॉर गेट ए लॉकडाउन, तो उन्होंने कहा कि पहले लोगों को फैक्ट और उसके बारे में अवेयर करना चाहिए, उसके बाद फिर मतलब कि उन्होंने पहले की भी बताया कि करना चाहिए भी था, और अगर सेकेंड फेज़ आता है मान लीजिए कोविड फिर से बढ़ता तो ये करना चाहिए, ओके। तो पहले लोगों को अवेयर करना था, ये करना चाहिए, एंड फिर लॉकडाउन लगना चाहिए था। इट वॉज नेसेसरी टू पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज वी आर वॉकिंग कम्प्लीटली इन द डार्क, वी हैव देन शिफ्टेड आउट, तो उन्होंने कहा कि हम टोटल अंधेरे में चल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, तो लोगों को अवेयरनेस ज़रूरी है बिकॉज उसके थ्रू अपने आप से भी अपने हिसाब से काम कर पाए, ओके ना, ओके। लेट्स मूव फर्दर। क्या न्यूज आइटम है, सो आई होप वी हैव डन विद दिस, और वही हमारा जो एक आई थिंक ओपिनियन पेज था दैट इज लेफ्ट, सो ओके, नो वी हैव मोर, व्हाट इज पीएलआई स्कीम, व्हिच सेक्टर विल बी अंडर इट, तो पीएलआई स्कीम ये इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, पीएलआई स्कीम्स मतलब इकोनॉमी में पेपर टू में आ सकता है, ओके। तो पीएलआई क्या है, पीएलआई स्कीम है प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव। तो पीएलआई स्कीम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई वो इंडिया के जो इसके अंडर में जो जो सेक्टर्स आएंगे, अगर वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बाद गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी। अगर मतलब कि वो फॉरेन शॉप को यहाँ पे नहीं इस्टेब्लिश करेंगे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन करके यहाँ पे शॉप लगाएंगे, यहाँ पे अपना बिजनेस लगाएंगे, गवर्नमेंट को इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। नीड क्यों है इसकी,
इसकी नीड इसलिए है कि गवर्नमेंट इन सारे सेक्टर्स में कोई स्पेंडिंग कर नहीं रही है। अब कर नहीं रही तो उनको उनको भी रिटर्न की ज़रूरत है। अगर रिटर्न होगा नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, इंडियन इकोनॉमी के लिए इशू हो जाएगा वो। दूसरी चीज़ फिस्कल की भी इशू है, क्योंकि बाहर से कंपनी जाएंगी तो फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारे जो रुपीज़ की वैल्यू है वो डिवेल्यूएट हो सकती है। सो दैट इज़ अ थिंग। विच सेक्टर करेंटली हैव द सीन, तो अभी किन किन सेक्टर में है, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए है और मेडिकल डिवाइसेस के लिए है। दो चीज़ें हैं अगर इंडिया में बनेंगी उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा। अभी 9 से 10 सेक्टर और भी लाने की जरूरत है। API के बारे में बता देता हूँ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट 70% जो है वो आता है कहाँ से, चाइना से आता है, और इंडिया सेल्फ सस्टेन होना चाहता है उस पर। ओके नाउ IT मीन सजेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डाटा, तो डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए उस पर पॉलिसी बनाई गई है कि डेटा सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। अब जैसे रोड और डिमार्केशन ऑफ स्पेसिफिक जोन विद नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सच ए रोड रनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सेटअप डाटा सेंटर पार्क। तो अभी डिमार्केशन ऑफ, तो उन्होंने लोकेशन के डिमार्केशन की बात की, रोड इलेक्ट्रिसिटी सारी चीज़ें होती है डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए। उन्होंने कहा न्यू पॉलिसी में किया गया है सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए कि एक बार भी मतलब बार बार दौड़ना ना पड़े, एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो दैट इज़ अ थिंग दैट सेड इन दिस। अभी तो ड्राफ्ट हुआ है, अभी इसका अप्रूवल होगा, देन वी विल सी दिस इन डिटेल। जो बिडन सेट टू फेस अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फॉरेन चैलेंजेस विद चाइना नंबर वन। कभी जो बिडन के लिए कहा गया, जो बिडन को बहुत सारे फेसेस चैलेंज करने पड़ेंगे, जिसमें चाइना जो है वो नंबर वन होगा। ओके तो फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी इनकी हिस्ट्री दी गई है, दैट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। अच्छा एक्सप्लेन पेज में अभी मैं जो दूसरा आता है सेकंड न्यूज़पेपर में नहीं आता, उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं बता दूंगा जो बिडन इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसा उनके पहले का कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो वो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए इट्स अप टू यू। द चैलेंज ऑफ US चाइना रिलेशन, तो US चाइना रिलेशन का चैलेंज बता गया, साउथ चाइना सी का इशू है, ठीक है, और अमेरिकी फॉरेन इशू पे भी अमेरिका कर रहा है उसका। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी चाइना के लिए एड्रेस करेगा। मिडल ईस्ट शिफ्ट ऑन इसराइल सऊदी एंड ईरान, तो इसराइल सऊदी और ईरान में अभी इसराइल के लिए उन्होंने किया था कोई, जब ट्रंप जीते हैं उन्होंने कर दिया, अभी उस पर भी इशू रहेगा। तो ये सारे फॉरेन जो इशूज़ हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के इशूज़ हैं, तो अगर आपको अफगानिस्तान की इशू पता है देन यू कैन अंडरस्टैंड। रिपेयरिंग यूरोप टाइज, तो यूरोप से भी टाइज इनको करनी पड़ेगी, बिकॉज यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जहाँ से रिसोर्सेज भी एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज़ भी अपना एक अलग अलायंस बना रही हैं, तो दैट इज़ अ थिंग। अगर इसे डोमिनेट करना है उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और रसिया भी एक बड़ा हर्डल है, क्योंकि यही दोनों सबसे बिगेस्ट पावर हैं, तो दैट इज़ अ थिंग। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इससे पहले, इसको पढ़ने के पहले ना, आपको इंटरनेशनल रिलेशन का पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान और यहाँ पे क्या मैटर है, US चाइना रिलेशन क्या है, ठीक है। तो अगर आप, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के लिए पहले इंटरनेशनल रिलेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दोनों कंट्रीज़ की क्या क्या वो इशूज हैं, ठीक है। तो वो उतना टाइम नहीं है, अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। ओके तो सो दैट इज़ अ थिंग। नाउ दिस इज़ आवर लास्ट ओपिनियन पीस, लेट मी नीड टू डिस्टर्ब। तो इन्होंने कहा, पी चिदम्बरम जी हैं, तो इन्होंने कहा है कि मैं कहता हूँ कि ये जो इलेक्शन था US का वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, ठीक है। इन्होंने क्रिटिसाइज किया है बहुत सारा, बिकॉज देयर वर अटेम्प्ट टू ड्रिल द अर्ली वोटिंग प्रोसेस। तो उन्होंने कहा कि जो अर्ली वोटिंग प्रोसेस है उसको ड्रिल करने का ट्राई किया। केसेस और लॉन्च डिक्लेयर सर्टेन काइंड ऑफ अर्ली वोट ड्राइव इन वोटिंग, तो इन्होंने ड्राइव इन वोटिंग की बात की है। आउट नॉट टू बी काउंटेड, तो उन्होंने कहा ड्राइव इन वोटिंग जो है उसको काउंट नहीं की जानी चाहिए, तो इन्होंने अर्ली वोटिंग सिस्टम है जो उसको ड्रिल करने की कोशिश की। बट इन्होंने कहा कि ट्रंप ने सूट भी फाइल किया, सब कुछ फाइल किया, लेकिन फिर भी वो हार गए। तो उन्होंने कहा कि अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होता, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, तो इतना करने के बाद ट्रंप जीत जाते, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है। नाउ अभी इन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे इन्होंने दिया है कुछ, जो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि US का जो इलेक्शन है वो केवल US का इलेक्शन है, क्योंकि US जो है वो फाइनेंशियल मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बिगेस्ट पावर है। तो कोई भी कंट्री जो है ना वो उसका उसका जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस मतलब इतना बड़ा भी हम नहीं कह सकते, बट
इनकी इसकी जो पावर है यूएस की, वो सारी कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करती है, हम ये कह सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़े से फैक्ट दिए गए हैं कि जो इसका सीनेट है, सीनेट में क्या होता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वहाँ पे 435 मेंबर्स होते हैं, ये आप याद रखिएगा। इज इलेक्टेड एवरी टू ईयर्स, तो हर दो साल में इलेक्टेड है। होल्ड द पावर ऑफ द पर्स, 1/3 ऑफ सीनेट इज इलेक्टेड एवरी टू ईयर, तो 1/3 हर साल इलेक्टेड किए जाते हैं। एंड होल्ड द पावर टू एडवाइस एंड कंसेंट, तो एडवाइस एंड कंसेंट के लिए पावर को होल्ड करते हैं, ठीक है। और जो अदर जो है इनका, जो इनकी कांग्रेस है, कांग्रेस 4 ईयर्स का टर्म होता है, तो 4 ईयर्स पे वो भी बदल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जो बिडन अगर बने हैं तो सक्सीड ही होंगे, वो सक्सेस ही पाएंगे सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ये हमें देखना पड़ेगा। बिकॉज हेल्थ इशूज़ हैं, इमिग्रेशन के इशू है, रेशियल एंड जेंडर इनइक्वलिटी का इशू है, ठीक है, अफोर्डेबल केयर का इशू है। तो इन्होंने बहुत सारे इशूज़ दिए हैं, रसिया ट्रेड ट्रीटीज़, प्रोटेक्शनिज्म, ग्लोबल ट्रेड, चाइना अग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई है, ये इशूज़ हैं। तो इन्होंने कहा जो बिडन को सक्सेस मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नो लॉन्गर टू सिस्टम, इन्होंने कहा कि दो सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंटियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। बिकॉज देखिए टू प्रेसिडेंशियल का मतलब, अभी देखो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, अभी जो प्रेसिडेंट बनेगा या तो वो उस पर डोमिनेट करेगा। और इन्होंने इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया, इंडिया में वही सीन है कि जो मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, किसी के पास ज़्यादा पावर है, तो जो प्रेसिडेंट जो बनता है, प्रेसिडेंट भी उसी डोमिनेटिंग पार्टी का, उन्हीं से रिलेटेड कोई बनता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि दो पावर हैं बहुत ज़्यादा चल नहीं पाएंगी, दैट इज द थिंग। चेंज इन स्टेल्थ, अनफॉर्चुनेटली सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन द रिच एलिट एंड आइडियोलॉजिकल ड्रिवन वोटर्स सीम टू प्रेफर एन अथॉरिटेरियन लीडर रदर देन द कॉम्प्लेक्स चेक एंड बैलेंस ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा, न्यू वोटर की बिहेवियर की बात की, उन्होंने कहा कि जो वोटर्स हैं उनको एक ऐसा अथॉरिटेरियन लीडर चाहिए होता है, ऐसा कोई उनको एक्सट्रीम लीडर नहीं चाहिए होता है कि जो अच्छे से डेमोक्रेसी पे चेक एंड बैलेंस बनाए रखे। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है वोटर्स को। ऑल ओवर द वर्ल्ड द ऑनरेबल एक्सेप्शन एंड पुश टू अबॉलिश एब्सोल्यूट पावर बाय इलेक्शन लीडर इज बिकमिंग मोर प्रोनाउंस, द कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन एंड द ट्रैपिंग ऑफ डेमोक्रेसी आर अलाउड टू रिमेन इन प्लेस। तो इन्होंने कहा है जो कन्वेंशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि पहले से जो जीतते आ रहे हैं, वो उन्होंने डेमोक्रेसी को अपने ट्रैप में फंसा रखा है, और लोग भी उन्हीं को वोट देते हैं, लोग भी उन्हीं को चाहते हैं। जैसा भी आप एग्जांपल ले लिए बिहार का, ठीक है, तो बिहार में अभी वो तो जीत रहे हैं जो महागठबंधन RJD लेड, तो अभी उसमें देखिए कि लोग क्या चाह रहे हैं। लोगों ने उसमें कुछ देखा, लोग मतलब कि लोग ना तो एजुकेशन देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी इलेक्शन में हो, किसी भी पार्टी के लिए हो, लोग ना तो जो फेस ऑफ CM है या जो उनको रिप्रेजेंट करने जा रहा है ना, उसकी एजुकेशन देखते ना कुछ देखते हैं, उन्हें यह रहता है कि हाँ इनके घर के वो पहले रह चुके हैं, वो ये थे, तो उसी के बेस पे लोग वोट दे देते हैं। दैट इज़ द थिंग जो पी चिदम्बरम जी ने कही है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने हॉलोड सिस्टम की बात की है, उन्होंने कहा कि बाई अपॉइंटिंग सब सर्वेंट पर्सन टू ऑफिस पासिंग वीक टेस्ट लो, तो उन्होंने कहा कि अपने जो उनके पास के लोग हैं उनको ऑफिसर्स पे अपॉइंट करके, और अपॉइंट करने के बाद फिर वो जो वीक लॉ पास कर देंगे, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव लॉ पास कर देंगे या शेड्यूल का। उन्होंने कहा कि इंडिया का एग्जांपल अगर हॉलो आउट कर लें तो इलेक्शन कमीशन, इन्फॉर्मेशन कमीशन जैसा भी लॉ पास हुआ, तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है कि अपने लोगों को रख के उन्होंने इलेक्शन कमीशन और इन्फॉर्मेशन कमीशन इन सारे के लिए, फाइनेंस कमीशन इनके लिए लॉ पास कर दिए, तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया है। इन फेडरल सिस्टम सेंट्रलाइज पावर इज एक्सेलरेटेड बाय द डिनाइंग फंड्स ऑफ स्टेट प्रोविंस टू बाईपासिंग। तो उन्होंने कहा कि जो स्टेट हैं उनको फंड नहीं दिया जाता, उनके फंड को डिनाई किया जाता है, और उसके थ्रू भी उन पर डोमिनेंस दिखाया जाता है। तो दैट इज अ थिंग दैट वॉज इन दिस ओपिनियन पेज रिटन बाई पी चिदम्बरम। ओके, सो दैट इज अ थिंग। ओके गाइज, सो वी हैव डन विद दिस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, न्यूज़पेपर चाहिए और कुछ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछ भी सकते हैं मुझसे, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।